लविंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। पिछले दो टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि जो लुई 16 जब आपका राजा बनता है तो राजा बनने के बाद उसका जो ट्रेजरी होता है वो पूरा खाली होता है, और जिस वजह से क्या होता है उसको वो अपना खजाने को भरने के लिए क्या करता है, टैक्स उसको बढ़ाता है, और किनको पे करना होता था किनको पे नहीं करना होता था। तो ये पिछले दो टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं हमने। जो फिर बाद में कहा था जो पावरोटी थी, पावरोटी के आपके प्राइसेस हाई हो गए, वो सब चीज़ों को हमने पढ़ा। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, मतलब कि क्रांति की शुरुआत। यहाँ पर पहली लाइन कह रहा है लुई 16 हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस, मतलब लुई 16 अब यहाँ पर क्या था, टैक्सेस को बढ़ाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर क्या टैक्स को तो वो बढ़ाना चाहता था, लेकिन क्या कह रहा है कि द इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिगिम द मोनार्क डिड नॉट हैव टू द पावर द इंक्रीज द टैक्सेस अलोन, मतलब इस चीज़ को बोला उसने कि अगर वो टैक्स को बढ़ाएगा तो अकेले टैक्सेस को नहीं बढ़ाएगा, अकेले उसके पास पावर नहीं है, वो अकेले इस चीज़ को कर ही नहीं सकता बिल्कुल। फिर उसने क्या किया, रेदर ही हैड टू द कॉल द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल विच वुड पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्स। उसने क्या करा, जितने भी आपके स्टेट थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों स्टेट के लोगों को कॉल किया, किस चीज़ के लिए, एक मीटिंग को बुलाने के लिए, एक बैठक को बुलाना था, एक मीटिंग को बुलाना था कि हमें एक न्यू प्रपोजल रखना, न्यू चीज़ को बनाना है, वो था आपका टैक्स। अब जब ये आपकी बात है, हाउ एवर द मोनार्क अलोन कुड द डिसाइड व्हेन टू कॉल द मीटिंग ऑफ अ बॉडी। अब उसने क्या करा कि मीटिंग को बुलाने के लिए सभी को कॉल किया, और कॉल करने के बाद जो आपके उसमें एक चीज और है, जो लास्ट जो मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग जो टैक्स को बढ़ाने से संबंधित हुई थी वो आपका 1614 में हुई थी। कभी 1614 के बाद कोई भी इस प्रकार की मीटिंग नहीं हुई, किस चीज़ को, टैक्स को बढ़ाने के लिए। अब जब मीटिंग आपकी थी, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जो मीटिंग आ रही है वो कब आ रही है, ऑन 5 मई 1789 लुईस कॉल टुगेदर द असेंबली स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्स एट हॉल द वर्साइल। मीटिंग से पहले उसका जो रहने वाला जो राजमहल था जहाँ वो रहता था वो था आपका वर्साइल, वर्साइल्स को खूब सजाया गया, सजाया धजाया गया, और सजाए धजाने के से पहले उसने क्या करा कि 5 मई 1789 को उसने सभी लोग को, सभी जितने भी स्टेट थे जनरल, उन सबको बुलाया। अब फर्स्ट स्टेट में कितने लोग थे, फर्स्ट स्टेट जनरल में कितने थे, 300 रिप्रेजेंटेटिव, उनको बुलाया। सेकंड स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव, उनको बुलाया। और थर्ड स्टेट, अब देखिए फर्स्ट में कितने थे, 3, सेकंड में 3, और थर्ड में 600। इसके अलावा इस, अब देखिए यहाँ पर क्या था, जो आपका थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट मोर प्रॉस्पेरस एजुकेटेड पीपल। अब ये जो समय था, ये समय काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। चेंज क्या हो चुका है कि यहाँ पर जो थर्ड स्टेट पहले आपका इलिटरेट था, वो क्या हुआ, आपके यहाँ पर एजुकेटेड हो गई। इसमें अब यहाँ पर थर्ड स्टेट में एक प्रॉब्लम होती, थर्ड स्टेट में जैसे महिलाओं को, किसानों को, जो कामगार थे, आर्टिसन थे, उन वो मीटिंग्स में नहीं जा सकते थे। तो इस प्रकार से उसमें क्या करा गया, उन लोगों ने, इन लोग को, ये जो थे थर्ड, इन लोग को क्या करा, 40,000 बाई हैंड रिटन लेटर अपनी जो भी थी डिमांड उसको उनको दिया। आगे बात सुन रहे, अब देखिए वोटिंग स्टार्ट बाय द प्रिंसिपल वन स्टेट वन वोट। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा था कि एक स्टेट का व्यक्ति एक ही वोट देगा, एक स्टेट का व्यक्ति एक वोट देगा। जैसे फर्स्ट, अब यहाँ पर यह बोला गया कि अगर आपके दो स्टेट के लोगों ने एक एक वोट दे दिया तो क्या होगा, टैक्स आपका बढ़ सकता है, और नहीं देगा तो टैक्स नहीं। अब देखिए एक चीज़ और सुनना है, आपने जो पढ़ा था ना कि टैक्स कौन पे करता था, थर्ड स्टेट। अब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट कोई भी टैक्स पे नहीं करता था, तो यहाँ पर इनको तो टेंशन है ना कि इनको क्या करना है, इनके लिए चाहे बढ़े चाहे घटे, नो इश्यू। लेकिन प्रॉब्लम ये फेस कर रहे थे, तब इन्होंने क्या डिमांड किया, इनकी डिमांड क्या थी कि हियर इज 300, हियर इज 300, हियर इज 600, टोटल वोटिंग कितनी होनी चाहिए, 1200, कि हर व्यक्ति को वोट देने का राइट हो। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पर देखिए
बट द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड द वोटिंग नाउ विद द कंडक्ट बाई द असेंबली द होल विच द ईच मेंबर हैव वन वोट होल पूरे जितने भी मेंबर है उनको वोट देने का राइट है एक। अब ये बात किसने कही? रूसो। रूसो ने अब उनकी एक बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने अपनी बुक में इस चीज़ को कहा कि जो वोट देने का राइट है सबको होना चाहिए। फिर बात आई, लेकिन जब ये डिमांड जब बढ़ी तो बढ़ने के बाद क्या हुआ कि किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि मुझे इस चीज़ को नहीं करना, उसने मानने से मना कर दिया। और जब उसने इस चीज़ को नहीं माना तो क्या होता है कि मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट द असेंबली इन प्रोटेस्ट। उन्होंने क्या करा, जो मीटिंग्स आपकी हो रही थी उन्होंने उस वॉकआउट कर दिया और वहाँ से वो लोग बाहर की तरफ चले गए। किंग जो था वो थर्ड स्टेट की बात को नहीं मानना था। अब जब थर्ड स्टेट की बात को नहीं, तो थर्ड स्टेट वालों ने क्या किया कि उस मीटिंग्स का वॉकआउट किया। वॉकआउट कैसे किया कि वो मीटिंग जहाँ पर हो रही थी उसको छोड़कर वो लोग बाहर चले गए, वो मीटिंग्स को छोड़कर बाहर चले गए। अब जब वो मीटिंग को छोड़कर बाहर गए तो जाने के बाद ऑन 20 जून 1789 दे असेंबल्ड इन हॉल ऑन द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ द वर्साइल। मतलब जो उसका महल था, महल के पास एक मैदान था और वो टेनिस कोर्ट था, तो टेनिस कोर्ट में आपके जाके वो जगह इकट्ठे होती है। ये आपके बुक में एक डायग्राम भी दिया है, ये डायग्राम दिया है कि वो क्या होता है कि 20 जून 1789 को वहाँ पर जाकर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर वो लोग मीटिंग करते हैं। मीटिंग में क्या करते हैं, दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली एंड सॉन और द डिस्टर्ब ऑफ द हेड एंड डिरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस द वुड लिमिट और द पावर। अब उन्होंने क्या कहा कि अब हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। ये थर्ड स्टेट वालों ने बोला कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, और उन्होंने इस चीज़ को बोला कि वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। उन्होंने कहा कि इसकी जो मोनार्की की जो पावर है वो एक लिमिट होनी चाहिए, अगर ज़्यादा पावर बढ़ेगी तो एक डिक्टेटर, एक तानाशाह हो जाएगा, तो उसको लिमिट करने उन्होंने कहा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या था, थर्ड स्टेट वाले आपका ये आंदोलन कर रहे हैं, थर्ड स्टेट वालों ने वॉकआउट किया, लेकिन इनका साथ दो व्यक्ति ऐसा दे रहे हैं जो कि थर्ड स्टेट से नहीं है, वो आपके मिडिल स्टेट से हैं, सॉरी सेकेंड स्टेट से हैं एंड आपके फर्स्ट स्टेट से हैं। जैसे आपके दो हैं, एक तो मिराबियो जो कि नोबेल से हैं, नोबेल मतलब सेकंड, और अब्बेसाई ये आपके क्लर्जी, ये फर्स्ट स्टेट, ये आपके सेकंड स्टेट से हैं ये, और ये फर्स्ट स्टेट है, ये भी आपका क्या करते हैं थर्ड स्टेट वालों को सपोर्ट करते, कहते नहीं जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने इस चीज़ का सपोर्ट किया। उसके बाद वैन नेशनल असेंबली बाद द विजी एट द वर्साइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सब विंटर। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि जब ये लोग बिजी थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसी समय होता क्या है कि ठंड का सीजन था, और ठंड के सीजन की वजह से क्या होता है, जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। अब जब फसल ख़राब हो जाती है तो प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज, जो प्राइस होती है किसकी, ब्रेड की, वो बढ़ने लगती है। बढ़ने के बाद ब्रेकर एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड द हॉल्ड द सप्लाईज। अब क्या होता है, जो बेकर्स होते हैं वो इस सिचुएशन को देखते हैं, और सिचुएशन को देखते हुए कह रहे ना हॉल्डेड सप्लाईज, हॉल्डेड सप्लाई का मतलब होता है कि किसी भी सप्लाई को वो करना बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को इकट्ठा करने लगे कि जैसे जैसे मांग बढ़ेगी तो हम इसको हाई प्राइस में निकालें। तो यहाँ पर क्या हुआ, आफ्टर स्पेंडिंग आवर इन लॉन्ग क्यूज एंग्री वुमेन अटैक द बेकरी शॉप्स। अब यहाँ पर एक लाइन देखने वाली बात है कि भूख जब बर्दाश्त नहीं हुई बच्चों की, भूख अपने बच्चों की जब देखते देखते नहीं बर्दाश्त हुई माँ लोगों को, महिलाओं को, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अटैक बेकरी शॉप, उन्होंने बेकरी शॉप्स पर अटैक कर दिया, लूटने लगी। जब क्या हो रहा था, क्योंकि ये सारे जो 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 पाव रोटी थी उसको लोग बेच नहीं रहे, इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन क्या था, भूख को मिटाने के लिए क्या करा, वुमेन्स ने अटैक बेकरी शॉप, जो बेकरी शॉप थे उसकी दुकान पर हमला बोल दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्स ग्रुप मूव इन टू द पेरिस ऑन 14 जुलाई। अब देखिए यहाँ से बहुत ध्यान से लाइन देखनी है, हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ था,
हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ कि 14 जुलाई जो कि शहर में अफवाह फैली हुई है, यहीं से स्टार्ट हुआ। इसलिए ये अब ये आप समझे कि ये जो सिचुएशन थी क्यों क्रिएट हुई, कि इसने राजा ने सेना को क्यों बोला, तो वो दिन था आपका 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को उन लोगों ने क्या करा कि जो आपका था ना वर्सल जेल, उसको तोड़ दिया। तभी सेना ने जाकर आदेश दिया कि जो जो स्थिति हो रही है वो अब कंट्रोल नहीं हो रही, इसलिए आप शहर के अंदर घुसो। अब देखिए, पीसेंट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड हियर टू द पिच फॉक्स ऑफ द अटैक द चटायू। अब यहाँ पर चटायू कैस्टल, इसका मतलब जो किसान थे, किसान ने कुछ जिलों को सील कर दिया, कुछ जिलों को सील कर दिया, और सील करने के बाद अटैक चटायू कैसे कैसे मतलब महल, कुछ महलों पर जाकर हमला कर दिया। हमला करने के बाद दे लूटेड हॉरेड ग्रेन एंड वर्न द डाउन डॉक्यूमेंट कॉन्टेनिंग रिकॉर्ड टू द मोलर ड्यूज। अब उसके बाद क्या था, वो लूटने लगे किसको, ग्रेन्स खाने पीने की चीज़ों को लूटने लगे, डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट थे उनको जलाने लगे। और वो डॉक्यूमेंट उन्होंने वैसे डॉक्यूमेंट को जलाया जैसे कि उसमें लिखा था कि किसको कितनी ज़मीन देनी है, किसको कितनी ज़मीन नहीं देनी है। तो उन्होंने क्या करा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, उन्होंने क्या करा उन डॉक्यूमेंट को भी जला दिया। जलाने के बाद द लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स लीड फ्रॉम देयर होम्स। अब देखिए, जो नोबल्स थे, जो आपके सेकेंड स्टेट वाले थे, सेकेंड स्टेट वाले आपके कहते अमीर पर्सन थे, उन लोगों ने क्या किया, द लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स लीड फ्रॉम द देयर होम्स मैनी देम द माइग्रेटिंग नेबरिंग द कंट्रीज। उन्होंने क्या करा, कंट्रीज को छोड़ने लगे, जो यूरोप के आपके आसपास के जो देश थे वहाँ उस तरफ वो लोग भागने लगे कि अब तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई, थर्ड स्टेट वाले अब कुछ भी कर सकते हैं, तो वो वहाँ से भागने लगे। इसीलिए उन्होंने क्या करा, जो 14 जुलाई था इसलिए उन्होंने स्थिति का अटैक करा है। फिर उसके बाद लुई 16, जब ये सिचुएशन जब बिगड़ने लगी, जब हालात नहीं कंट्रोल होते थे, तब जाके फाइनली लुई 16 फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। नाउ अब देखिए, आखिरकार उसको लुई 16 को ये कानून एक पास करना पड़ा। उस जो थर्ड स्टेट पे जो वो अत्याचार करता था कि आपको टैक्स पे करना है, उसने सारी चीज़ों को वापस ले लिया कि आप थर्ड स्टेट को टैक्स पे नहीं करना। लुई 16 ने इस चीज़ को माना कि स्थिति जो है वो कंट्रोल से बाहर है। तब जाकर उसने क्या करा कि लुई 16 फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली, नाउ हिज पावर चेक्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ऑन 4 अगस्त 1789 असेंबली पास्ड, 4 अगस्त 1789 को असेंबली पास हुई, और उसमें डिक्री अप्लाई टू द फ्यूडरल सिस्टम, फ्यूडरल सिस्टम आया, जो टैक्सेस था, टैक्सेस एंड लैंड ऑन वाई चर्च वेयर द कॉन्फिकेशन। अब देखिए, जो टैक्सेस थे उसको नहीं पेन नगर शादी, कुछ जमीन थी किनके पास, जो चर्च था क्लर्जी जिनके पास अपनी, उस जमीन को कॉन्फिकेशन मना, उस जमीन को उसने जब्त कर लिया। फाइनली लुई 16 जब आपका राजा बना, तो राजा बनने वाले उसके खजाने में एक भी रुपये नहीं था, लेकिन अब रिजल्ट यहाँ पर कह रहा है, एज रिजल्ट गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट बॉट 2 बिलियन लिब्रे, उसके पास 2 बिलियन लिब्रे की संपत्ति, उसका नियर अबाउट मतलब कि 20 अरब लिब्रे उसके हाथ में टोटल आ गया। आगे बच्चन में तो ये अभी अब आपको ये क्लियर हो गया कि आखिर वो 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट किया, आप देख ली कहाँ पर कि सिचुएशन क्या क्रिएट हुई। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, ये आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक